नमस्कार, हिमाचल टुडे चैनल में आपका स्वागत है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज सुबह ऊना में शराब के कारोबारी से 9 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार राणा एंटरप्राइज के मालिक रजिंदर राणा से आज सुबह पिस्टल की नोक पर 9 लाख रुपया लूट लिए। बताया जा रहा है कि शराब के कारोबारी जब अपने घर से निकलकर ऑफिस पहुंचे ही थे, करीब 8:15 बजे गाड़ी में सवार होकर आए चार लोगों ने पिस्तौल की नोक पर इस लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सभी लोगों ने नकाब पहन रखा था। जब ये लोग राणा के पास पहुंचे तो उनके पास कोई कैश नहीं था, लेकिन इसी बीच दो लोग उनके ऑफिस में वहाँ चले गए जहाँ पर कर्मचारी नकदी गिन रहे थे। वहाँ से दोनों लुटेरों ने करीब 9 लाख रुपये लूट लिए। इस दौरान उन्होंने हवाई फायर भी किए और शराब कारोबारी राणा की साथ उनकी हाथापाई भी हुई। मामले की सूचना मिलते ही ऊना के SSP अर्जित सैन सहित सभी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। उधर महतपुर बॉर्डर में चौकसी बढ़ा दी गई है, सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। क्या मामला हुआ, कब आप कहां से आए और किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है? मैं नंगर से आया था और जब मैंने अपना दरवाजा खोला तो दो आदमी पहले ही मेरे दरवाजे के आगे खड़े हुए थे, अंदर जी खड़े थे। तो मैंने उनको बोला आप कौन है भाई जी, तो मैंने उनको बोला कि आप कौन है, कहना आप अंदर आओ, हम बताते हैं कौन है जी। तो जब मैं अंदर गया तो वो मेरे को बाजू से और मोटे से पकड़ के वो अंदर आओ, तो मैं भी उनसे उठ गया। मैंने कहा आप है कौन, मेरे को बताओ सही। तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं, फिर मैंने एक थप्पड़ भी लगाया, एक को धक्का मार के दरवाजे के साथ ठोक दिया। तो उतनी देर में वो जो ऊपर बंदे गए हुए थे पहले दो, वो कैच उठा के नीचे को आ गए। तो नीचे को जब आए तो हमारा ड्राइवर नीचे फ्लोर में जा रहा था, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर चार राउंड किए, फायर किए, तो फिर वो भाग के गाड़ी लेकर। तो जब पुलिस को इंटीमेशन दी, उसके कब तक पुलिस उसके बाद कब आई थी? पुलिस आ गई थी 20-25 मिनट में आ गई थी। 25 मिनट लगे पुलिस को आने में? हाँ 20-25 मिनट लगे, हमने टाइम नहीं देखा, 20-25 मिनट लगे गए। तो यदि जल्दी कार्रवाई होती तो पकड़े जाते हैं? ये चोर होते हैं जी, सारा कहाँ पकड़े जाते हैं। हम ऊपर कैश इकट्ठा कर रहे थे, उसी के दौरान दो लड़के ऊपर आए, दो नीचे खड़े हुए थे, तो उन्होंने आके सीधा मेरे और मेरे जो साथ में लड़का कैश था, तो उन्होंने आके पिस्टल ने रख दी और जो भी हमारा कैश पड़ा था सारा ले गया। तो कितना कैश कहा जी? सर ये 9-10 लाख के बीच में। तो पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, गाड़ी नंबर आपने नोट किया कोई? जी सर, PB 70 87 51 बलेनो गाड़ी है सर, ग्रे कलर। तो कोई अगर लड़कों को आप देखेंगे तो पहचान लेंगे? जी सर, जो जितना हमारा गैस है, जो जितनी शक्ल देखी गई है, अगर हमारे सामने तो पहचान सकते। तो सुनने में आया कि फायरिंग भी की? जी सर, चार फायर किए उन्होंने। तो किसी कोई नुकसान किसी को? नहीं सर, लगा नहीं किसी पर, उन्होंने फायर किए थे वो नीचे किए, उन्होंने पाइप पर फायर किए थे पर लगा किसी के नहीं। देखिए सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे के आसपास जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे कुछ आर्म्ड रॉबरी का एक इंसिडेंट यहाँ पे एक वाइन कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके शॉप पे हुआ है। उसके बाद जो है हमने पुलिस में जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उसके बाद हमने जो है सभी अपने CCTV फुटेज के माध्यम से और जितने भी डिटेल्स हमको अवेलेबल हैं उसके माध्यम से पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है और अभी हम तफ्तीश यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सर ऐसा आरोप है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका कहना है कि जब इंटीमेशन दी उसके भी आधे घंटे बाद तक पुलिस नहीं पहुंची? नहीं, उसके जैसे ही इंटीमेशन आई है उसके बाद कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है अलर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से जो दिया गया है, स्पेशली क्योंकि हमको उनको रूट का थोड़ा सा आइडिया था, इसलिए एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए जो है हमने पहले टीम भेज दी है। बाकी जगहों पे भी हमने टीम अलग अलग सेपरेट जगहों पे भेजी है और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर अभी CCTV में कुछ खास हाथ लगा? उसी को हम चेक कर रहे हैं, जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। सर चोरी की वारदातें बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं? इसका स्पेसिफिकली कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है कि क्यों बढ़ रही है, बट जो भी इंसिडेंट हो रहा है उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। हमारी टीम्स जो हैं पंजाब के लिए भी निकल गई हैं जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एंड वी आर इन टच विद पुलिस ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट। सर कितने लाख की चोरी बताई जा रही है? कितना ये अभी रिपोर्टेड लगभग 9 लाख की बता रहे हैं।